नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद है ग्राम पंचायत भोलड़ा, जो कि पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वैसे खादर का गांव है। यहां पर ग्रामीणों से प्रतिक्रिया लेंगे कि इनके गांव में अब तक के इतिहास में कितना विकास कार्य हुआ है। और बार बार हमें एक ग्रामीण फ़ोन कर करके, लगभग मेरे पास 20 कॉल आई होंगी इस गाँव से पिछले 7 दिनों में, कि आप हमारे गाँव में आएँ और हमारे गाँव की स्थिति देखें, रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान देखें कि कितने विकास कार्य हुए हैं। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। हो सकता है कुछ ग्रामीण चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हो, इसलिए वर्तमान सरपंच पर भी आरोप लगाएं। बाकी ये ग्रामीण कहेंगे जो कुछ कहेंगे, इनसे जान लेते हैं। जी, मेरा नाम उदय वाहन है जी। मैं फिलहाल ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 3 से पंच हूँ और मेरी वाइफ जो है वार्ड नंबर 2 से पंच है। तो अभी तक जो भी है ना, तो हमारा कोई भी रास्ते का सुधार हुआ है जी। सारे रास्ते, बल्कि हालत ये है कि हमारा ये मेन रास्ता इधर से जाता है, पंडितों के साथ से होता हुआ, कैमरे की तरफ देख के बताओ, पंडितों की तरफ से जो रास्ता है, इस पे ये टाइलें तो इस पे लगी है, लेकिन जो महिला है और जो बच्चे हैं, इस पे लेटरिंग भी अभी तक उस पे पड़ी हुई है। इतना गंदा रास्ता है कि वहां से निकलना भी दूभर हो जाता है। दूसरा, एक पानी की समस्या बहुत ज्यादा है जी। एक मोटर है गाँव में, पूरे गाँव के लिए वो कम है, और जिसका अभी भी आज की डेट में भी पानी बिल्कुल भी नहीं लोगों तक पहुँच रहा है। 50% लोगों तक पानी पहुँच रहा है, बाकी पानी नहीं है बिल्कुल भी। पानी की सबसे और, सब और कौन बोलेगा भाई, और कोई बताएगा कोई जी? दूर छोड़ के अपना नाम बताओ सबसे पहले। मैं कौन सा, ये छोड़ दो जी, धन्यवाद करना छोड़ दो, आप अपनी समस्या बताओ। सर, सबसे पहले तो रास्ते इनकी निशानदेही हो चुकी है, अब जो रास्ते इनकी निशानदेही हो चुकी है पंचायत के द्वारा, रास्ते आज तक नहीं खोले। दूसरे के खेत क्या हो, इस गाँव में नागरिक हो? मैं पंच हूँ जी। सारे पंच ही हो? हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 5 से पंच हूँ प्रेजेंट। तो पंचों पे काम नहीं हुआ? अब ये तो हम तो एक तरह से मानो जी सरपंच साथ खूब सहयोग करते हैं, लेकिन सरपंच पार्टी की वजह से, आप दबाव की वजह से ये रास्ता नहीं खोल पाया। जब पंच बनते हैं, पंचों को ग्रामीण बनाते हैं, पंच कैसे बनते हैं आप पहले तो बताओ। पंचों को वार्ड नंबर से ग्रामीण ही बनाते हैं। ग्रामीण बनाते हैं, फिर आपके वार्ड में कितने काम हुए पहले तो आप अपने को बताओ। काम कुछ भी नहीं हो जी सरपंच। आप पंच हो ना? हाँ जी, जवाबदेही तो आपकी भी है। मैं तो ये मान लो जी एक्स पंच हूँ, एक्स में हूँ जी एक्स पंच। चलो ठीक है, आप बताओ भाई, आप वर्तमान में हो ना? मैं वर्तमान में हूँ जी, बिल्कुल ये भी वर्तमान में है जी। हाँ जी, आप मियाँ बीवी दोनों पंच? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आपको भी ग्रामीणों ने चुना है? हाँ जी। आपके वार्ड में या जो भी आप जिस बता रहे हो वहाँ पर अगर काम नहीं हो तो उसका उत्तरदायी कौन है? हम भी है जी उत्तरदायी, लेकिन हम लड़ाई तो लड़ सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं उसके प्रति, हमने आवाज उठाई भी है जी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। अब आप आ जाओ इधर, आ जाओ जाओ जी। नमस्कार, मेरा नाम दशरथ है और मैं वार्ड नंबर 4 से पंच हूँ। देखो, गांव में हमारी बहुत सारी समस्या हैं, अब तक जो भी विकास हुआ है वो संपूर्ण विकास नहीं हुआ है सर। क्या है, सबसे पहले ये जो आप नाला, ये नाला है रिंग बांध से टच हुआ, ये नाला है और इस नाले की पहले शिकायत हो चुकी है। नाले कौन सी जगह है? रिंग बांध से ये जो आप गंदगी दिखाई दे रही है, इसके साथ ही टच में प्राइमरी स्कूल के साथ, प्राइमरी स्कूल से जो नाला बता रहे हो। हाँ जी, इसमें मेटेरियल बहुत गलत लगा था, इसके खिलाफ शिकायत भी हुई थी, लेकिन अब ये नाला पूरी तरह ढक चुका है, मिट्टी से ढक चुका है। और ऐसे ही इसके साथ साथ बहुत सारी गंदगी है और पानी भी भरा पड़ा है। इस बाबत आपने विधायक है, आपके विधायक से बात हुई आपकी? इससे तो नहीं हुई, लेकिन हमने सरपंच साहब से ही कहा, उन्होंने कहा कि पैसा आएगा और कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बहुत से रास्ते बने वो भी अधूरे हुए हैं। और कौन बोलेगा? हाँ जी, और कोई है? मनरेगा कर्मचारियों की बहुत शिकायत आ रही है, वो हमारे विधायक श्री दीपक मंगला जी के यहाँ भी गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ जी, सर जी, हमारा मनरेगा में हमने काम किया। बताओ जी आप। मेरा नाम कृष्ण कुमार जी है। हमने कुमार जी, अच्छा कृष्ण कुमार नहीं, कृष्ण कुमार जी नाम आपका? कृष्ण कुमार जी, मजाक की बात है, कोई बात तो ये हमने मनरेगा में काम किया था, अभी तक कुछ पैसा आया कुछ पैसा नहीं आया। कितना पैसा है, पूरी बात बताओ, कितने दिन काम किया, कितना पैसा है सारी? हमने 5 साल तक अब तक काम किया है ना, तो हमारे पास अभी तक जॉब कार्ड दिया गया है ना, हमें कोई ये हमारा काम चढ़ा रखा है ना, गमले में रखे जॉब कार्ड मांगने जाते हैं तो जॉब कार्ड देता नहीं है, जिसकी समस्या जॉब कार्ड देता नहीं है, अभी तो अधूरा पड़ा है, अभी तो अधूरा 5 साल में। आप ये करें, आपका मनरेगा का जो काम करने का था वो पैसा आपको नहीं पहुंच रहा है, पानी भी नहीं पहुंच रहा, पानी भी नहीं। जी भाई साहब, और कोई आ जाओ जी। जी मेरा नाम राकेश है, मैंने 2017 से 18 तक काम किया था जी। जी 2018 में 4 किस्ताएं जी मेरी, और 2019 में 2 किस्ताएं जी, ये रुपया आया जी। और कितना टाइम काम किया आपने? जी जो 2017 से 2019 तक काम किया था जी। मतलब कितना पैसा रह गया अभी? तो कुछ भी नहीं आया जी, आधा भी नहीं आया। आधा भी नहीं आया,
तो किसके पास है वो पैसा? मतलब सरपंच के पास है जी। तो इस बाबत आपने सरपंच से कहा कि सरपंच साहब पैसा दीजिए? हाँ जी, खूब कहा था। विधायक के पास भी गए जी दो चार पांच बहुत, फिर विधायक उन्होंने कहा था जी नो करवा देंगे सरपंच से, कहकर वो सरपंच भी नहीं सुन रहा जी। तो आप सरपंच के, आप सरपंच नहीं सुन रहा या विधायक आपकी नहीं सुन रहा? सरपंच नहीं सुन रहा जी। जब विधायक की बात नहीं मानेगी तो इसका मतलब क्या है? अब यह बात की सरकार जाने जी, सरपंच जाने नहीं, अब विधायक नहीं जानता वो अपने घर के। अब भी 20 तारीख को या पिछली 20 तारीख को पैसे आए थे जी, वो अपने घर घर के इन पैसे डलवाता है जिन्होंने काम कराया उनके खाते में पैसे नहीं करवाए। ये कोई प्रूफ है कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हो? हाँ जी प्रूफ है। क्या प्रूफ आपका? क्या आप कॉपी है जी हम पे? नहीं वो आप एंट्री करवा की हमने कॉपी की। आपने एक आरोप लगाया है कि सरपंच अपने परिवार के लोगों के खाते में मनरेगा का पैसा डालता है, ये कह रहे हैं जी? अच्छा, और वो काम नहीं करते हैं ऐसा ही? हाँ जी बिल्कुल, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। क्या प्रूफ है आपके पास, आप बताओ? प्रूफ ये फॉर्म में लिस्ट है जी हमारे पास। हाँ जी लिस्ट है जी हमारे पास। दिखाओ जी, दिखाओ। नहीं लिस्ट तो है, काम नहीं करता कोई है, इसका क्या प्रूफ सर? है? ये पैसे जूम करके दिखाओ, इधर से दिखाओ, बता देगा जिस बात को तो पूरा काम बता देगा। ये पैसे 20 जनवरी को 2021 में डाले गए हैं जो कि सरपंच के परिवार के टच के लोग हैं और उनके सहयोगी हैं। आप नाम देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले जयपाल, सनोप जयपाल लिख रही है लेकिन ये गलत है, ये सरपंच के बड़े भाई हैं। जयपाल सनोप प्यारेलाल सनोप सुल्लड, ये इनका। ये क्या करते हैं जयपाल जी? वैसे क्या करते हैं? कुछ नहीं करते जी, इनके गांव में रहते हैं। हाँ, गांव में रहते हैं जी। और इनके नीचे देखिए आप, ये कम इनके नीचे ये कमलेश है, इनकी पुत्र वधु है जी, और इनका लड़का है। ये कुछ गांव के लोग एक लिस्ट दिखा रहे हैं कि जिनके खातों में मनरेगा का पैसा गया है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ये लोग काम नहीं कर, क्या बताओ? इन्होंने काम नहीं किया, काम इन्होंने नहीं किया काम जो ये लिस्ट है। नाम क्या आपका? मेरा नाम कृष्ण है, कृष्ण कुमार जी। नहीं है कृष्ण कुमार जी? हाँ कृष्ण कुमार जी, सुनो भाई, कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि मेरा नाम कृष्ण कुमार जी है और एक आरोप नहीं है, ये काम पर नहीं है, लिस्ट में पैसा गया है, ये हुई बात। ठीक है कृष्ण कुमार जी, धन्यवाद। अच्छा जी एक और है, ये जो नाला है ना जी, इसके मैंने इसमें डाली हुई है सीएम विंडो पे जी, सीएम विंडो पे सरपंच के खिलाफ, सरपंच के लिए एफआईआर के ऑर्डर हो चुके हैं जी, लेकिन प्रशासन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है जी। वो किसी दबाव में आकर के, किसी भी दबाव में आकर के उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं वो, और एफआईआर के ऑर्डर हो चुके हैं जी 5 बार रिमाइंड, वो मेरे पास पूरा सबूत है जी, और इसके रिकवरी भी निकली हुई 4,15,000 रुपए की। चलिए आप सबने ग्रामीणों को विस्तार से सुन लिया, लाइव आप लोगों को कार्यक्रम दिखाया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चुनावी माहौल है, हो सकता है इस वजह से भी लोग एक दूसरे पर आरोप, लेकिन इन्होंने कुछ प्रूफ भी दिखाया। इन्होंने ये भी कहा है कि विधायक जी को भी इन्होंने कई बार शिकायत दर्ज कराई कि विधायक जी ये समस्या है, और जल्द ही हम आप सभी को ग्रामीणों को एक आश्वासन देना चाहते हैं कि हम विधायक जी से भी आपकी बात कराएंगे इस मामले पर, और सरपंच साहब से पूछेंगे, सरपंच साहब ऐसा है कितनी सच्चाई इन बातों में, क्योंकि अगर कोई समस्या है तो ग्रामीणों की जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुन करके आया, गांव की तरफ से चुन करके आया, कुछ पंच हैं जो 2-3 ये आप देख रहे होंगे पंच हैं, इन्होंने कहा जी मैं एक भाई ये है, इन्होंने कहा मैं खुद पंच हूँ, मेरी वाइफ भी पंच है, लेकिन अगर इनके वार्ड में काम नहीं होता तो इनकी जिम्मेवारी भी उतनी है जितनी सरपंच की है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है तो उसका जरूर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। और आप सभी को लाइव कार्यक्रम दिखाया है, पॉजिटिव न्यूज़ किसी भी आरोप को सत्यापित करने का काम नहीं करता है, बिल्कुल जो कहा है ग्रामीणों ने कहा है। आप सभी को एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, अगर आप सभी की कोई समस्या हो तो सीधे सीधे तौर पर आप हमें भेज सकते हैं, धन्यवाद। ठीक है भैया।